एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री जो अपनी ड्यूटी के दौरान कोरोना पॉजिटिव हुई हैं। उन्होंने तालबेहट कोविड सेंटर L1 से कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो आपको जरूर सुनना चाहिए। मैं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूं और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ काम करते हुए मुझे कोरोना पॉजिटिव हुआ है और यदि सभी आंगनबाड़ी बहनों, आशा बहनों और NM बहनों को सुरक्षा कवच नहीं दिया जाए तो ग्राम में कैसे काम करेंगी। आंगनबाड़ी 1000 पर काम करती हैं, आशा बहनें 1000 की आबादी पर काम करती हैं, NM दीदी 5000 की आबादी पर काम करती हैं। सभी बहनों को सुरक्षा कवच देना जरूरी है क्योंकि सारे ग्राम में काम करती हैं। जो मेरे साथ हुआ वो और किसी बहन के साथ ना हो, इसीलिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान मेरे साथ हुआ वो किसी बहन के साथ ना हो, इसलिए सभी बहनों को सुरक्षा कवच या सुरक्षा की मांग कर रही हूँ। इस समय में तालबेट क्वारंटाइन में हूँ। यदि और किसी बहन को ऐसा नहीं हो, जिस तरह से ललितपुर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, इसके बावजूद भी कुछ विभाग ऐसे हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। आंगनबाड़ी के जिलाध्यक्ष ने जिलाधिकारी, ललितपुर जिलाधिकारी से अपने सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कुछ ऐसी मांगें की हैं जिससे कि वो लगातार काम कर रही हैं, तो काम के दौरान उन्हें सेफ्टी किट की भी जरूरत होती है जिससे कि वे कोरोना से बचाव कर सकें अपना। मैं आंगनबाड़ी की जिलाध्यक्ष प्रतिभा कौशिक, ग्राम पटोरा कला, ब्लॉक जखोरा, जनपद ललितपुर। मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ, विभाग से, जिलाधिकारी महोदय जी से, कि हम बहनों के लिए कोई भी सुरक्षा कवच नहीं दिया गया है और हम लोगों को फील्ड में काम करने के लिए भेज दिया जा रहा है। इसलिए मैं एक बार ज्ञापन की तौर पे जिलाधिकारी महोदय जी के नाम, CDO मुख्य विकास अधिकारी जी एवं ADM साहब को और मेरी मैडम DPO मैडम को मैं सूचना देकर आई हूँ। इसी उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपकी पूरी सुरक्षा करेंगे। इसी बीच में एक हादसा मेरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रामदेवी राजपूत, ग्राम जामुन थाना, ब्लॉक जखोरा, ललितपुर जनपद की, जो कि स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ कार्य करते हुए 10/7/2020 को संक्रमित हो चुकी है। जब तक COVID-19 की रिपोर्ट आती है तब तक हमारी बहनें ना जाने कितने लोगों से संपर्क में आ जाती हैं, क्योंकि हमारी बहनें गांव में लोगों के बीच जाके संपर्क करती हैं, घर घर COVID-19 की सर्वे कर रही हैं, पोषाहार वितरण कर रही हैं, टीकाकरण करवा रही हैं,